गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। संस्कार भारती गोरख प्रांत के तत्वावधान में भारतीय नौ वर्ष के अवसर पर 21 से 23 मार्च तक आदि पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में कार्यक्रम की संयोजिका सुधा मोदी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि साहित्य कला एवं रंगमंच को समर्पित अखिल भारतीय गोरख प्रांत चैत्र शुक्ल एक नौ वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन आदि पर्व के नाम से 21 से 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम भारतीय परंपरा एवं सांस्कृतिक के अनुरूप होंगे। सांस्कृतिक महाकुंभ में स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 21 मार्च को मंगलवार को टाउन हॉल मैदान में दोपहर 3 बजे से लोक मंगल कामना यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अग्रसेन तिराहा बैंक रोड, विजय चौराहा, सिनेमा रोड, गणेश चौराहा, इंदिरा बाल विहार, कचहरी चौराहा होते हुए वापस टाउन हॉल में आकर समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आदि पर्व कार्यक्रम की संयोजिका सुधा मोदी महामंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सबसे पहले तो भारतीय नववर्ष की मैं सुधा मोदी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। न पल्वित किया प्रांगण, न पुष्पित किया बंधनवार, आदि पर्व नववर्ष का देती मैं सभी को हार्दिक बधाई। ये संस्कार भारती का आदि पर्व कार्यक्रम 21, 22, 23 तारीख को टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। ये एक भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें 21 तारीख को, जैसे कि मैं क्रमबद्ध कर रही हूँ कार्यक्रम को, तो 21 तारीख को कार्यक्रम टाउन हॉल से मंगल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो टाउन हॉल से लेके बैंक रोड, बैंक रोड से लेके विजय चौराया, उसके बाद फिर हमारा गोलघर, ये सब चीज़ को क्रॉस करते हुए फिर टाउन हॉल पे आके सूर्य देव को अर्घ देके फिर इस कार्यक्रम को उस दिवसीय कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। फिर 22 और 23 तारीख को हमारी मंचीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें लोक कलाकार आएंगे जो अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे, जिससे कि हमारी संस्कृति को एक आह्वान मिलेगा, एक बहाव मिलेगा और हमारे जन जन को एक संदेश हम देंगे कि हमारी संस्कृति कहाँ तक पहुँच रही है। ये हमारा वार्षिक उत्सव है संस्कार भारती का। कितने कलाकार भाग लेंगे इसमें? 70 कलाकार आ रहे हैं बाहर से और शहर के भी कलाकार बहुत आ रहे हैं। मैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, मैं सभी को नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और विक्रम संवत 2080 जो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से एक 22 तारीख को पड़ेगा, उसमें उसके निमित्त 21, 22 और 23 मार्च को बृहद कार्यक्रम आयोजित हैं इस अपने गोरखपुर प्रांत में। इस संदर्भ में जैसा कि सुधा जी ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इस तरह कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं और मैं इस कार्यक्रम के लिए, चूँकि ये कार्यक्रम भारतवर्ष का है और भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम है, इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बनाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जैसा कि अभी संयोजिका जी ने बताया कि विभिन्न प्रांतों से लोग आ रहे हैं, इसमें संस्कृति विभाग का भी हमें बड़ा सहयोग मिला है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने भी कई कार्यक्रम हमको यहाँ पर भेजे हैं। मैं उन सब के प्रति अपने साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबको पुनः आह्वान करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों। धन्यवाद। नया केवल एक हम लोग इस बार, वैसे तो मंगल कामना यात्रा भी निकालते रहे हैं, लेकिन मंगल कामना यात्रा को एक वृहद स्वरूप देने की कोशिश की है, जिससे जन जन में और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी, उस तक आप संदेश ये पहुँचाएँ कि जो है हमारा नववर्ष क्या है और उसको हम के किस उस उल्लास के साथ मनाना चाहिए, यही हमारी इच्छा है इस बार। सर ये बताइए, इस कार्यक्रम को लेके क्या तैयारी, कितने दिन से तैयारी चल रही है, क्या संयोजक कौन कौन लोग हैं, जरा लोग बताने का कष्ट। बिल्कुल सही पूछा आपने, इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग 3-4 महीनों से चल रही हैं और अथक प्रयास हमारे संयोजक गण कर रहे हैं। इसमें आदरणीय सुधा मोदी जी, अनूप अग्रवाल जी और प्रेम पराया जी, इसमें नितांत दिन रात मेहनत करके, और आपको इसका एक अलग स्वरूप इस वर्ष दिखेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।